चीता क्यों भारत से एक्सटेंट हो गए? इसके दो प्राइमरी रीजंस हैं। पहला हंटिंग एंड दूसरा हैबिटेट लॉस। एंशियंट जमाने से ही राजा महाराजाओं की हॉबी हुआ करती थी हंटिंग। एग्जांपल, सरगुजा रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों को मार गिरा, ये जानते हुए कि वो भारत के आखिरी 3 चीते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 में चीतों को इंडिया से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया। भारत में चीतों को पालने की पुरानी प्रथा चली आ रही है, जिसे 12th सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट मनोलसा में भी बताया गया है। मेडिवल टाइम्स में भी चीतों को पालतू जानवर बनाकर कोर्सिंग यानी दूसरे जानवरों को हंट करने की प्रैक्टिस काफी कॉमन थी। अकबर ने अपने दरबार में 10,000 चीतों को पाला था और जहांगीर ने अपनी बायोग्राफी में इस बात का जिक्र भी किया था। 1881 में विजयनगरम के राजा के पालतू चीते ने ब्रिटिश गवर्नर के एजेंट को हमला कर मार गिराया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चीतों को मारने वालों को इनाम देना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीते भारत में एक इतिहास बनकर रह गए।